सोच समझ कर कदम उठाना बरखुरदार, क्योंकि नाम मैंने जानते हो खूनी नेटवर्क, और काम नाम के हिसाब से ही काम होता है, नाम के हिसाब से काम। देवर जी यही हराम ज्यादा है मुझसे कह रहा था तुम बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी सुंदर हो, मुझे अपने गले से लगा लो, मुझे अपने चश्मे से लगा लो, जिस्म से लगा लो, इसकी ऐसी धुलाई करना कि आज मैं अपने आंखों से देखूं ये खूबसूरत है या मैं खूबसूरत। मंजू सारे तो छूट नहीं, ये आपकी कुछ लगती है क्या? लगती नहीं है yeah. क्या बोला कि मैं इसके कुछ लगती हूँ? इसकी लगती हूँ लेकिन इसकी बड़ी भाभी लगती हूँ, और मैं इसकी माँ के समान हूँ। जिस गंदे हाथों से सुन मुझे छूने कोशिश की, आज वही से तेरी पिटाई करूंगी हरामजादे। और तू याद कर लेना, इस दुनिया में किसी नारी को छूने के लायक युग जमाना खराब था। ए मौजी आओ, ए मौजी आओ, तू कम नहीं ना, तू कम नहीं, सब पक्का हराम रहा। चौकीदार इन्होंने ना मुझे कहाँ कहाँ तक छुआ तुम्हें क्या पता? तू कम नहीं रहूं भैया, काबुल गाली पड़े कहावत सही है कान में विचार है तो कर हम मारब सारे बाद में एमुलो पर जा। खोली नटवर लाल, इसी तलवार से तूने मेरे बेटे का मर्डर किया था ना, आज यही तलवार तेरी गर्दन पर चलेगी। सोच समझ कर कदम रखना। जी में तो आता है कि जिस तरह मूली और गाजर काटी जाती है तेरे इतने, उसी तरह तेरी पोटी करूं, लेकिन नहीं, मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हराम जादे। चलंदर कानून को हाथ में मत लो साहब, इसलिए साहब जोश में अगर होश को मत खो, इसने मेरे बेटे का कत्ल किया, कत्ल करने के बाद मेरे ही कमरे में मेरी चारपाई के नीचे उसको दफना दिया था। साहब मेरा इसे देखकर मेरा दिल जल रहा है, इसको सजा कानून देगा, इसकी किया की सजा इसको कानून देगा। अरेस्ट करो, ए मिस्टर इधर आओ, बुलाओ उसको अपनी रखेल को, आवाज दो, आवाज दो। नगीना रानी यहां मत आना, यहां फोर्स आ चुकी है, यानी मुझे हाथ उठाना पड़ेगा। साहब आप क्या करेंगे? मुझे हाथ उठाना, मेरा हाथ पैर तोड़ दीजिए, मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं। आप मर्डर कर नहीं सकते हैं। मर्डर नहीं कर सकता, हाथ पैर तुम्हारा पूछा कर सकता हूँ। हाथ पैर वह छिन्ना छिन्नी जाती यहाँ,
पकल पकड़ेगा हम आज रखम 9 महीने तक। हे अरे राम हो ही मार जा भैया मार मार बुजरी का ये परिवार नाश करे का उठा लाओ तो हम रगड़े 9 महीने रगर देता मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुम क्यों डर रही हो मेरे रहते हुए? अरे आप ही ने तो कहा कि हम अताना फोर्स आई है और मैं चुपके से पीछे वाले दरवाजे से भागी जा रही थी। अरे तुम पीछे वाले दरवाजे से भागी जा रही है, आगे का बाजा बज रहा है। लेकिन ना मालूम कैसे इन लोगों को पता चल गया कि मैं जा रही हूँ। लगता है किसी ने बताया क्या? तुम नहीं जानती हो यहाँ मैडम भी है। मैडम भी यहाँ रहती है थाने और शिनाखत करती है। तुम्हें नहीं मालूम? अब क्या होगा? अरे अब यही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नजवलाल ये प्रशासन है, हम लोग सुधार करेंगे, उपकार करेंगे, न भूला देखेंगे न बुराई देखेंगे। यह प्रशासन सबका समझाई गाया, न भलाई देखेंगे न बुराई देखेंगे, केवल सच्चाई देखेंगे। कहने का मतलब यही है। सुन लिया दोनों जने, छिनली छिनला अब सुखिला कुछ आए हूं नारा भाऊजी कहा जाई गई पूरा हाथी यार गाय लेते का। अरे हम गाली नहीं, अबे मन कहा था हुनूर के जाई जाई निपुर साहब जो गलती हो गई है साहब मेरे साहब कर लेंगे। हाँ दोबारा गलती अब नहीं होगी साहब। जो सजा देना है साहब दे सकते हैं साहब। अब आपके हाथ में है चाहे आप छोड़। तुमने मर्डर किया है। हाँ। तुम 402 की मुजरिम हो। ठीक है साहब। मैडम माया दाल दंड के हाथों मत कही। आज संविधान के तहत इनको 302 का मुजरिम करार कर दो और जिंदा नंबर 7 बैंड नंबर 8 है हथके लगाओ। और कोनी नटवरलाल ऐसा कर्म कभी नहीं कीजिएगा, ऐसा कदम नहीं उठाइएगा साहब। जब जेल से छूटा तब ही तो कार्रवाई साहब। अब जब हम कुछ करें कहा है साहब? अब ना सुनिए वही जेल में तो का चक्के पी सकते तुमको आजीवन कारावास हो जाएगा। तुम लोग जेल से छूट नहीं सकते। ले जाओ इनको। विनोद भाई विनोद डांसर थिएटर पार्टी जनक प्रवाद तिवारीपुर कुंडा जनपद डेरवा प्रतापगढ़ हमारे भैया का तमाशा खनमोरा कभी शुभ अवसर पर बुक करना चाहते हो। हमारे विनोद डांसर जनक तिवारी का प्रवाद डेरवा जनपद प्रतापगढ़। जय हिंद जय भारत। साहब जी भाभी माँ बोले देवर जी इधर आओ। भाभी माँ तुम चलो हमारे साथ चलो, हम जहाँ चलेंगे मैं आपका बेटा बन के हम तुमको कमा के खिलाएंगे और मेरे भैया की हवेली भैया आपको तुम्हारी हवेली
मुबारक हो, हम इस हवेली से छोड़ के जा रहे हैं। ठहरो, मैं जानता हूँ मैंने तुम लोगों के साथ गलत बर्ताव किया है, लेकिन मैं अपनी इस कलमुही माँ की कहने पर आप लोगों के साथ बेतमीजी किया था, इसलिए मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। जाने के पहले एक बात सुन लो। खताएं बाक्सी दो, खताएं बाक्सी दो, मैं आपका आभार। गलतियाँ माफ करो, चरणों का मैं पूजा। सतीश, आज मेरा रंजीत इस दुनिया से छोड़कर मुझे चला गया, आज तू भी मुझे छोड़कर जाना चाहता है। तू जानता है क्या मैं जिंदा रह सकता हूँ? एक पल भी नहीं जिंदा रह सकता हूँ। स्वामी जी आप ये क्या कह रहे हैं? अरे खताएं आप की कुछ भी नहीं है मेरे पिया, ध्यान से हमारे सतीश। स्वामी जी आज के बाद तू मेरा रंजीत है, मैं तुझे अपना भाई नहीं बल्कि बेटे की तरह तेरी परवरिश करूंगा, लेकिन अगर तू और मंजू तू यहां चली जाएगी, तुम दोनों यहां से चले जाओगे, इस भाई की लाश को अब्बा हम नहीं जाएंगे भैया। ठीक है दोस्तों, हमारी संगीत का ही पर समापन होता है। रात को आज जो आपको तमाशा दिखाया गया था, इस तमाशे का नाम था हेलो। आप आज की रात इस पार्टी का प्रोग्राम देखना चाहते हैं? आप लोग आज की रात इस पार्टी का प्रोग्राम रायपुर तियाई वहां पे प्रोग्राम है, आप लोग पहुंचेगा और विनोद कुमार डांसर की नौटंकी का भरपूर आनंद लीजिएगा। हम लोग दूसरे तमाशे साथ पेश आएंगे। जय हिंद। अर यारो मेरा तमाशा इसी दम खत्म हुआ है, यारो मेरा तमाशा इसी दम खत्म हुआ को खुशी मिली है, दुश्मन को गम। हेलो 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 देखिए भाई, घर मालिक का कहना है कि श्री राम और जहरीला जी बुझाई और सुखाई देख के जाइए आप लोग। धन्यवाद। बुझाई सुखाई चला ठीक आयो और चली जाए हम तो।
न घूमई बगिया। मास्टर जी बताए कि कदेला तू ही न घूमई बगिया। अरे तुम्हें तो वहाँ है चश्मा के पीछों में से कदेला कदेला तू ही न घूमई बगिया। अरे भाई, अरे रे रे, ये क्या हुआ भाई? हमारा भाई कल जादू मारा तो भागा ना। अरे भाई भाई क्यों हो? आहिरिन मोर भाई गढ़रिन मोर काकी का भा देखा भाई गावत गावत मा भाई भारा परा क्या हुआ बस में ना निपुलिया। अरे माई हो माई कहे ना देते बस हम ना निपुलिया आप सारे का भा अरे माई हो राजिन रो राजिन ए राजू काजू जैसे अपने घर मोहनगंज चले है पहुंचे कौन गाँव आ हो दुबे के पुरवा दुबे के पुरवा पहुंचे राजू गुरु जी जो ना दुबे राजू भैया के नाखी मनाई मिल गए बा वही का देखे चलाई गए काम में पिराता का हमारे कलयुग में सहता कि चौका चबा रुक जा यहाँ दर्द है यहाँ दर्द है और नीचे यहाँ दर्द है और नीचे यहाँ दर्द है और नीचे आज नहीं कितना नीचे वहाँ हाथ लग गया था कहा करी मानो से मार राजू दुबे गुरुजी बोलवाई नहीं कहा करी घर मालिक मानस मान कल्लू भैया वर्मा बोलवाई नहीं डॉक्टर साहब बोलवाई नहीं बे जाई दवाई ले खुद चलाई नहीं बे तो कहा करी ओझा बोलवा ओझा ओझा हम सोखा खुदे ही सोखा है उनका सही सोखा है हाँ अब हमार देख ले का देखी बीमारियाँ बीमारियाँ देखा ऐसे नजनी कितना ओझा सोखा पड़े हैं बहू बेटी के ऊपर भाई बिटिया के ऊपर बहुत प्रेत कर देते हैं हमारे भाई के ऊपर अब भाई के जादू मार दे मर जान अब भाई पता लगा ले मोहन पूरा खून गिरवा दे अरे लवांग कपूर है लवांग कपूर नहीं ना अगरबत्ती लाओ तो अगरबत्ती नहीं ना बच्छी लाओ बच्छू नहीं ना एक जायफल जायफल रहा गोसे में डाल दी 551 रुपया जबान कटाई 551 रुपया राजू भैया लेके बैठा तो देखा एक बोतल जलता माल लागे जलता बोतल रहा लेकिन कल्लू महिलाू कतो गाल दे यहाँ देखा डॉक्टर ने हाँ ग्लूकोज चढ़ाई यहाँ झाई सुखाई कुछ देना लागे देना ले गया बेटा देना काम ना है पाए बोल भैया देना ले अंडा है अंडा ले है दूसरी अब तो चल जाए काम अंडा ही बता देसी या फार्मी ना देसी ना फार्मी हाँ अंडा भी लाई थी अब तो सही बात फिर अंडवा कच्चा है कुबाला ना कच्चा ही ना बाला है उसे गुराऊं धावा अब तो काम की चीज है जल्दी लो नहीं बीमारी बढ़ गई हे भैया हाँ अंडो तो राजू मेहरारू लगी बस हाँ बस जाए बस बिना अंडे के देखा भाई बिना अंडे के देखा अब देख लेते ही अरे माई फिर माई बुलाया अच्छा तो हाँ माई बीमार रही नहीं आ रही नहीं देना नहीं दिन बोला उनका हम देख ले आराम हो जी बिना देना तू आया तेरी माँ का साली जय हो खास करके दहाई अंधारीर बाबा की धोखा जोड़ा पहलवान चढ़ाओ दहाई मुर्गा साहेब के धोखा जोड़ा गाजी मियाँ दे दहाई ब्रह्मा विष्णु महेश अंजनी के पोत हनुमान 36 कोल देवता
छप्पन कोल भवानी आकाश वाली सोन चिड़ैया नारे नारे कोठा कोठा उत्तर हो दक्षिण हो पूरब हो पश्चिम हो राह हो बाट हो भार हो पटीदार हो आकाश हो पाताल हो ग्राम दोबे के पूर्वा के राजा महाराज जैसे तोरे हम शरण में आई सारी बीमारी खाइस के अगर दिल पर न हाजिर कह दे दिया तो के गऊ का दूध हराम बीमारी खेले हो हारमोनियम मास्टर बीमारी खेले का करी हारमोनियम मास्टर कहता है बीमारी खेला जा लड़का कल्याण हो जाए कल्याण नहीं हम बीमारी हो जाए बीमारी खिला दे तो कल्लात रहा कल्याण हो जाए यार कल्याण हो जाए कहा कल्लात है देखा बीमारी खिलावे कल दही सोने सोने लेता ग्राम दोबे के पुरवा के राजा महाराजा जैसे आए हम तोरे शरणिया हरमानी साहब मानवर श्रीमान कल्लो वर्मा मानवर श्रीमान राजो दोबे गुरु जी देहन पूरा उनके तरफ से ना भाई कुछ कामिया तो शीतला माए हवा झोला रनिया फुलका देवी हुआ सात पहनी होना बिंदा चल कई हुआ बिंदरी होना गंगा जैया बोला पाप तोरे दर्शन का जुट है जब तेरी यही होना बीमारी आई घर में तो बुरी न खचा गई गोली लक अंदर आ गया अब भाग कोशिश से हो तो तोहरी मैया का दूध रमावा हो ऐसे लाल लाल देखावज हमका आखिया हो तो हो गुरु आया तोरा सेवक हो नाही हम हो पूजी था आओ भाड़ा हो देना दे ही था हम गिद गिदना राजू दोबे गुरु जी का था चबाले 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 और के का चबाले के का पूरे दोबे पहचाना हो केहन केहन ज्वाला माई यही हे देवी हे परमात्मा हम तो अंधा आदमी है माँ आगे चलत है पाछे नहीं ख्याल है माँ तो जलनी जब तारन मावा जग माँ नाम तो हार हो माँ तोहरे भरोसवा नावरी बोझ खेच लगाई जा पार हो माँ काहन के तोहर नाव नवरिया काहे लाद करुआर हो माँ सिटिया शीर मजन यपनवाए फुलवा लाद करुआर हो माँ बेटाई बैठाई साथ Yeah.
के बोले मजधार हो मां उतार उतार माई पार भाई हैं हन दिन लाल निशान हो मां उतार उतार माई पार भाई हैं हन दिन लाल निशान हो मां बोला गंगा जी की जय पाप से धर्म की जय बोल गंगा जी बोल गंगा जी की जय पाप की पाप छै धर्म की धर्म की जय बोल बोला तो अगर झूठ बोली ना जितना जने बैठा सब को चबाई है सत्य सत्य बोला तो हाँ हमारे मानस मार राजू दुबे गुरु जी पेट न भर पाई है न हमारे कल्लू परमा घर मालिक तो हाँ पेट भर पाई है साफ साफ बतावा तो हाँ पेट हम भर तो हमारे पेट न भर पाओगे नहीं कहे अगर पेट भरे कहाँ जा अपने मेहरारू पेट भरे आप कहे परमात्मा कल्लू कहाँ आप कहे परमात्मा राजू कहाँ सब बैठा है आप बुला नहीं भाई हूँ ना फूट दे हम आप परमात्मा है बुलाओ जल्दी रे कल्लू बुलाओ राजू बुलाओ आप परमात्मा है प्रकट भाई आज उन्हों को हम भूल दे कायम पर प्रकट करे आप परमात्मा ही परमात्मा नहीं उनका माई है तलके है हम है सोखा सोखा है हाँ लाइसेंस देखा लाइसेंस नहीं मालूम कल से भाव कब सोखाई करता 32 साल से सोखाई करता है 32 साल सोखाई करता है जवान पूछे बताओगे हाँ बताओ अंदर पांच बीमारी है हमारे अंदर पांच बीमारी दूसरे बताई हमारे बीमारी पता ही नहीं पाई कौन कौन बीमारी है पहली बात तो मेहरा तो उसे पटत नहीं मेहरा से पटत नहीं दूसरा बीमारी है दूसरे तो मेहरा दूसरे की जात है कब कौन चली जात है तीसरी बीमारी है तोर मेहरा तुहार मुँह नहीं देखत सही बात चौथी बीमारी चौथी बीमारी है तो दुई पेटवा सारे पकड़ाई है सही बात पांचवी बीमारी चौथी बीमारी राजू जवान है ना वो क्या देखे नहीं चाहता आप परमात्मा ही हम तो बाप ही हमारे बाप को मुंह देखा कैसे लंडो हम पर देख के ही एक आपके दो जन बोला सत्य सत्य बोला देखे हो अरे मोरे पर पहचान लेन का देवी देवता बे तो रहे न अपने थाने पवाने चला गए थान पवाने थान गए कल्लू राजू भैया अब आज चुरैल चुरैल अब वही रेल पर चुरैल आए जो देवखरी वाला भेद लाई तो राजवा की नानी चुरैली भैया राम लखन जय श्री राम श्री राम विशाला भाई होश आइए आराम हो गया शरीर आराम हो गया आप कभी बीमार हो गया दोस्त तोरे आवक शक्ति न रहे का करे राजू हो जाए सरियल लोग हो जाए लेकिन राजू भैया कल्लू भैया अगर बुलाएंगे दोनों भाई का आना अवश्य है अब बीमार हो गया तो आ ना पाऊ गया नहीं पाऊ अपने माइक हम रखी अब भेज दे फिर पूरा बीमारी खान के बांध हम ओकरे बाद सवेरे तोरे माइक हम भेज दे अरे बड़का दमाद सारी माइक ना भेज देता नहीं आज से रास्ता बता दो सबके मालिक एक है ऊपर वाले तो आए न कबहू बीमारी प्रभु का काहे दुहिया